अब मैं शुरू करूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दोनों ही स्ट्रक्चर बताऊंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई भी टेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। पहला स्ट्रक्चर, इसमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग की जाती है, तो स्टार्टिंग में इज एम आर में से कोई एक रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन। और जो सेकेंड स्ट्रक्चर होता है, बस फर्स्ट स्ट्रक्चर के पहले एक इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड जो सुटेबल हो, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इज आर एम आर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन। कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्स्ट। इसके पहले जो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल लिए थे, जैसे आई एम रीडिंग, आई एम बाइंग बुक, तो आई एम बाइंग बुक को अगर इंट्रोगेटिव में लिखेंगे और फर्स्ट स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, एम आई बाइंग बुक। आखिरी में इंट्रोगेटिव साइन लिखना अनिवार्य है। इसी को अगर सेकेंड स्ट्रक्चर में लिखा जाए तो कोई सुटेबल इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा, वाई वाई एम आई बाई गो। और एक आध एग्जाम्पल लिखे देखते हैं, इज ही बाइंग बुक। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है ही इज बाइंग बुक, तो उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा इज ही बाइंग बुक। और सेकेंड स्ट्रक्चर में लिखा ना हो तो यहाँ पर कोई भी सुटेबल इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, व्हेन इज ही बाइंग बुक।